आती हूं अजय उपाध्याय जी आपके पास। अब जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ही कहें मोदी इज द बॉस, तो कांग्रेस के मन में क्या आता है, क्या है भावना आपकी इन शब्दों पर? कांग्रेस का मन है भारत को बॉस करते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, भारत के जो बहुलवादी जो हमारी संस्कृति है उसको बॉस वो मानते हैं, भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको वो बॉस मानते हैं, और कहीं ना कहीं भारत का जो विस्तार आर्थिक दृष्टिकोण से 1991 के बाद हुआ, जिसके कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों की एक नई आयाम खुली, कहीं ना कहीं उसके प्रति उनकी श्रद्धा और एक तरह से सम्मान है। मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जमकर तारीफ कर रहे हैं कि आप जो लोकतंत्र यहाँ पर लेकर आए हैं, मैं पढ़ देती हूँ जो उन्होंने कहा है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आत्मा को आप ऑस्ट्रेलिया लेकर आए हैं मोदी जी, आपने हमारे लोकतंत्र को ज्यादा सशक्त और समावेशी बनाया है। अब आप लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, वो दूसरे देश के प्रधानमंत्री जमकर तारीफ कर रहे हैं कि इन्होंने और सशक्त बनाया है लोकतंत्र को। चित्रा जी, भारत की प्रशंसा यदि विश्व का कोई भी देश करता है उसमें कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है, खुशी है, गर्व है हमें कि हमारे भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर और परंपरा को कहीं ना कहीं गौरवान्वित करने का काम ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने किया है। ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे 10 लाख से ज्यादा वहां पे भारतीय मूल के लोग हैं, ये उनकी देन है कि वहां के लोकतंत्र जो है बहुलतावादी हुई है, समावेशी हुई है, ये तो अपने आप में खूबसूरती है, और इसी हमारी लोकतंत्र की परंपरा का ये देन है। जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के जो हमारे नायकों ने जो सपना देखा था कि विश्व में हम भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, हमारी विदेश नीति का ये कोर था, तो और मतलब उसका मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है अजय उपाध्याय जी, ये एक दिन में नहीं हुआ है, और ये एक दिन में मोदी जी और भारत एक दिन में यहाँ नहीं पहुंचा है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि एक दिन में भारत यहाँ तक नहीं पहुंचा है, और 1991 का भी वो उदाहरण दे रहे हैं जब आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, वो कह रहे हैं एक दिन में ये सब कुछ नहीं हुआ और भारत की वहां पर तारीफ हो रही है, बीजेपी वाले इतने ज्यादा खुश ना हो जाएं तस्वीरें देखकर। देखिए चित्रा जी, निश्चित तौर पर भारत की तारीफ हो रही है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की तारीफ हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के ही प्रतिनिधि हैं, और जो आदरणीय अजय उपाध्याय जी कह रहे हैं कि ये फॉरेन पॉलिसी निश्चित तौर पर एक कंटिन्यूएशन होता है, सातत्य की प्रक्रिया है, लेकिन एक प्रश्न तो है कि 28 वर्षों तक जिस ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे मधुर संबंधों के विकास की आवश्यकता थी, वहां 28 वर्षों तक हमारा कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं गया? आदरणीय राजीव गांधी जी 1986 में गए, उसके बाद उस जो हमारे संबंधों के माधुर्य को विकसित करने के की दिशा में क्या ठोस कार्य हुआ? तो कोई उत्तर नहीं है। हाँ, पिछले 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में भी गए और 2023 में भी आए गए, और उन्होंने इसका जिक्र भी किया, और जिस तरह से उन्होंने जो है ब्रूस स्प्रिंगस्टीन जो वहां के बड़े विश्व के बड़े पॉप स्टार है जी। आज जब एंटनी अल्बानिस जी जो आदरणीय प्रधानमंत्री है ऑस्ट्रेलिया के, जब उन्होंने जिक्र किया द बॉस कहा, तो बॉस कहने के पीछे उनका जो तर्क है वो तर्क ये है कि या तो जो है ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के लिए इस तरह का जो है कंसर्ट हुआ, इस तरह लोग उमड़े, उससे भी कहीं अधिक लोकप्रियता के साथ जिसमें ज्यादा ऊर्जा जनता के बीच में थी, ऐसा इंडियन डायस्पोरा और ऑस्ट्रेलिया के लोग वहां पर उमड़े, इसलिए उनको द बॉस जो है ये ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को उनकी लोकप्रियता के कारण कहा जाता है, और उस लोकप्रियता से आगे बढ़कर अगर कोई लोकप्रियता किसी राष्ट्राध्यक्ष किसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री की हुई तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, और यह लोकप्रियता निश्चित तौर पर भारतीयों ने ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को यह लोकप्रियता प्रदान की है। इसी कारण जो है मॉर्निंग कंसल्ट जैसा ग्रुप जो है वो वैश्विक नेताओं की सूची में जब लोकप्रियता का वह सर्वेक्षण करता है तो आदरणीय मोदी जी को लगातार पिछले तमाम महीनों से वो शिखर पर पाता है। तो यह भारत के लोकतंत्र की निश्चित तौर पर विजय है, और उनके मुंह पर एक कड़ा तमाचा है जो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो लोग भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में घूमते हैं उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है, जो भारत के लोकतंत्र को बदनाम करते हैं, जो आरोप वो लगा रहे हैं। चित्रा जी पहली बात तो हमारे सम्माननीय प्रवक्ता जो अभी बात कर रहे हैं कि 28 वर्षों तक भारत का कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं गया, शुक्ला जी शायद आप भूल गए, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर भी आप प्रश्न लगा रहे हैं, क्योंकि वो भी उन दौरान नहीं गए, देवेगौड़ा साहब पर आई के गुजराल पर आप प्रश्न लगा रहे हैं, ठीक है कांग्रेस पर प्रश्न लगाते लगाते आप अपने ही पूर्वजों और
विद्वान लोगों पर प्रश्न लगा करके ये क्या साबित करना चाहते हैं। मुझे लगता है उस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंधों की जो रूपरेखा थी उसके हिसाब से वैश्विक जो समीकरण और संतुलन थे उसके हिसाब से उस समय के प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया होगा। जहां तक बात लोकतंत्र की बात है, सच कहा आपने, लोकतंत्र मजबूत कब होगा? जब भारत का प्रेस मजबूत होगा, भारत की धर्मनिरपेक्षता मजबूत होगी, भारत की बहुलवादी संस्कृति मजबूत होगी, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका मजबूत होगी। और प्रेस इंडेक्स की बात जिस चीज की आप कर रहे हैं कि प्रेस इंडेक्स पर आ गए, आप लोगों की तो पता नहीं क्या मतलब पूछो कि सूरज पूरब से निकलेगा आप कहेंगे नहीं पश्चिम से।